जो भी इस वीडियो को आफ्टर स्ट्रीमिंग देखेंगे वो स्पीड इंक्रीज कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ आ वीडियो डिस्क इज वीडियो डिस्क की जो सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज है वो कौन सी है तो फटाफट इसका आंसर करिए जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं सभी आंसर करिए वीडियो डिस्क दोस्तों किस चीज में इंपॉर्टेंट होती है तो पोटेंशियल कैपेसिटी आपको याद रखना है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बाकी कॉम्पैक्टनेस और ड्यूरेबिलिटी कोस्ट इफेक्टिवनेस ये तो चीजें हैं ही लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पूछा गया था तो पोटेंशियल कैपेसिटी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर्स हैड एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट तो जैसे कि हम एन की बात करते हैं या फिर मार्क की बात करते हैं या फिर यूनिबैक की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक्सपेंसिव ऑपरेशन के लिए जाने जाते थे इनका कॉस्ट काफी ज्यादा होता था जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ती गई कंप्यूटर्स जो हैं इन एक्सपेंसिव होते गए आज के टाइम में आपने मोबाइल पकड़ा होगा हाथ में तो इतने सारे फीचर्स आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं तो ओब्वियसली इस क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट यानी कि ए इज राइट आंसर अमन कुमार प्लेलिस्ट बनी हुई है एचपी जी के आप चेक कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एन आईबीएम सिस्टम थर्टी एट रिप्रेजेंट द कंप्यूटर क्लास ऑफ आईबीएम सिस्टम थर्टी एट तो ये किस क्लास का है कमेंट करिए फटाफट आंसर तो बेसिकली दोस्तों स्मॉल स्केल कंप्यूटर है ये आईबीएम सिस्टम थर्टी एट तो इसका ए ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अनदर वर्ड फॉर आ डेजी भील प्रिंटर मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है तो क्वेश्चन ये भी बनता है और इंपोर्टेंट यही है कि इसका दूसरा नाम क्या है अक्षय कुमार अराउंड थ्री टू फाइव क्वेश्चंस रीजनिंग के आपको देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में तो जिन्होंने भी यहां पे बी ऑप्शन चूज किया है गोल्फ बॉल प्रिंटर उन सभी का सही है जो डेजी व्हील प्रिंटर दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये गोल्फ बोल प्रिंटर होता है तो ये नया क्वेश्चन देखा होगा काफी सारे स्टूडेंट्स ने लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसके बाद कर्सर एक पॉइंटर होता है और एक कर्सर होता है इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट पजल होते हैं इस क्वेश्चन में कर्सर और पॉइंटर में तो बेसिकली दोस्तों कर्सर जो होता है थिन ब्लिंकिंग लाइन होती है जहां पे आप कुछ भी टाइप करते हो कीबोर्ड वगैरह से और पॉइंटर जो यहां से वहां आपको एरो की तरह दिखाई देता है ये होता है पॉइंटर तो इसमें माउस काफी काम आता है पॉइंटर में तो इन दोनों में अच्छे से देख लेना और पिक्सल तो क्वालिटी होती है कितने डोट्स हैं एक इंच में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ यूज टू बैकअप द डाटा इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास होती है वो भी जरूर बताया करो इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन भी तो इसमें फ्लोपी डिस्क या फिर टेप जो है ये तो जरूरी है ही क्यों जरूरी है क्योंकि डाटा जो है यहीं से हम किसी क्लाउड स्टोरेज में लेके जाएंगे दैट इज नेटवर्क ड्राइव तो नेटवर्क ड्राइव जो है यह भी इंपॉर्टेंट है तो आलिया बब और नेटवर्क ड्राइव के एग्जांपल्स गूगल ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव ये सभी हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स आर यू श्योर बिल टू टू यूज इफ योर ऑब्जेक्टिव इज प्रिंट मल्टी कार्बन फॉर्म्स तो मल्टी कार्बन फॉर्म्स के ऊपर जब आप प्रिंट करते हो तो बेसिकली दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर्स का काम होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है इसको ध्यान से देखिएगा तो अगर लेजर आपने चूज कर लिया है वेरी गुड ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इसका काम नहीं होता दोस्तों यहाँ पे जब मल्टी कार्बन फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, तो अगर इनके ऊपर प्रिंटिंग करनी हो तो हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स का ज्यादा यूज करते हैं जैसे कि डेजी व्हील हो गया डोट मैट्रिक्स हो गया थिम्बल हो गया तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें लेजर लाइट का यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस शिल्पा प्राशर का सही आंसर है आनंद शर्मा काव्य शर्मा विकास मल्होत्रा गेमिंग वर्ल्ड शुभम सिंह तो वेरी गुड फ्लोपी हार्ड डिस्क ये तो आप सभी जानते ही हैं स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं सी डी रोम्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और टेप डिवाइसेस जो हैं ये भी और टेप जो होती है बेसिकली सिक्वेंशियली एक्सेस करती है डाटा को उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ए एस सी आई आई एंड एक्सटेंडेड वाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स तो एस काई की आपको यहां पे फुल फॉर्म बतानी है ईबीसी डीआईसी जो है एट बिट्स का यूज करती है और ए एस सी आई आई जो है सेवन बिट्स का यूज करती है और एट्थ बिट जो होता है एसकाई का एरर चेकिंग के लिए होता है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज दैट इज सी ऑप्शन ठीक है एक सौ सत्ताइस तक यहां पे अस्काई हमें देखने को मिलता है और ये जो ई बी सी डी आई सी है जीरो टू टू फिफ्टी फाइव तो ये कैरेक्टर्स भी देख लेना अच्छे से इंपॉर्टेंट है ये भी विच कंप्यूटर्स आर यूज एज सर्वर्स फॉर मैनी मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन सर्वर का काम कौन से कंप्यूटर्स करते हैं काफी बार बता चुके हैं हम दो सौ अस्सी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं मैं आशा अच्छा करता हूं सभी कमेंट करेंगे आंसर एक भी स्टूडेंट नहीं छूटना चाहिए ऐसा नहीं कि आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो आपके टेस्ट शुरू हो चुके हैं दोस्तों काफी पहले से ही एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं जैसे कि पी डी पी वन आपको याद होगा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर तो ये एज ए सर्वर हम यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर्स को बाकी मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं आंकड़ों के ऊपर काम होता है ज्यादा से ज्यादा माइक्रो कंप्यूटर्स को पीसी भी बोला जाता है और सुपर कंप्यूटर्स की जब हम बात करते हैं सीमर क्रे आपको याद रखना है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स ये बेसिकली दोस्तों मैथमेटिकली या फिर साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर्स रेखा देवी आपको सिर्फ इतना याद रखना है 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे अब यहाँ पे स्लाइड रूल जो है दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन है तो स्लाइड रूल जो है यह भी कैलकुलेशन के काम आता था सत्तरवीं शताब्दी में इसको इन्वेंट किया गया था तो क्वेश्चन यह है कि कब इन्वेंट किया गया था कमेंट करके बताइए तो विलियम ओटर्ड आपको याद रखना है यह भी इंपॉर्टेंट है इन्होंने स्लाइड रूल्स को फाउंड किया था कब फाउंड किया था यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों 1620 याद रखना इन्होंने स्लाइड रूल्स जो है इसको इन्वेंट किया था यह थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए तो बाकी विलियम ओटर्ड ये नाम भी याद रखना स्लाइड रूल्स कैलकुलेशंस के लिए यूज किया गया था सत्तरवीं शताब्दी में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल सीडी रोम कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी यूजअली स्टोर अप टू डैश डाटा कितना डाटा ये स्टोर कर सकती है मैक्सिम सीडी रोम कई बार डीबीडी की, की, की तो एज यूज़ुअल आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहां पर 680 सौ आप सभी आंसर कर रहे हैं तो ओबियसली एमबी में ही इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी की ऑप्टिकल डिस्क भी इसको बोल दिया जाता है तो पजल नहीं होना है ध्यान से इन क्वेश्चंस को एनालाइज करिए द फॉलोइंग रिक्वायर्ड लार्ज कंप्यूटर मेमोरी इमेजिंग ग्राफिक्स वॉइस बेसिकली इसको मल्टीमीडिया बोला जाता है तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा मेमोरी जो है इसको रिक्वायर करेगा वेरी गुड सभी इसका आंसर समझ चुके हैं तो बेसिकली आलो अब। इमेजिंग ग्राफिक्स वॉइस ये सभी काफी इमेज या फिर ग्राफिक्स या फिर वॉइस मेमोरी को रिक्वायर करते हैं इमेजेस में आपको जेपीजी पी एन जी फुल फॉर्म्स देखनी पड़ेंगी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय बेवेज। तो बेवेज के काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं रेखा देवी करंट अफेयर्स के आपको दस क्वेश्चंस एटलीस्ट देखने को मिलेंगे तो यहां पे दोस्तों आपको एनालिटिकल इंजन याद रखना है कई बार ऑप्शन में डिफरेंशियल इंजन भी होता है तो उसको भी अच्छे से देख लेना ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द लोअर डेक ऑफ एन एवेकस इज नोन एज अबेकस कौन सा शब्द है इजिप्ट का और चाइना में इसकी इन्वेंशन हुई थी जो लोअर डेक होता है वेकस का लोअर पार्ट तो उसको क्या बोला जाता है अंकिता शर्मा अगर 21 मार्च को एग्जाम है तो पिछले छह महीनों के आप करंट अफेयर्स पढ़ लेना 2020 के लास्ट के दो तीन मंथ्स के और बाकी तीन चार मंथ्स के आपको इस ईयर के भी पढ़ने पड़ेंगे 21 मार्च तक हालांकि पेपर जो है ये जल्द ही सेट हो जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा छे महीने के बजाय आप एक साल भी पढ़ सकते हैं मार्च से पीछे तो ये जो लोअर डेक होता है दोस्तों तो इसका सी ऑप्शन याद रखना अबेकस के बारे में जो भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ऑल मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट ऑन तो किसके ऊपर ऑपरेट किए जाते हैं जितने भी कंप्यूटर्स हैं आज के जमाने के यस आनंद शर्मा तो बेसिकली आज के जो कंप्यूटर्स हैं ये डाटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं हमेशा क्योंकि इनका काम होता है प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना तो इसका सी ऑप्शन ठीक है और बेसिकली बर्ड साइज पूछा जाता है कई बार कंप्यूटर्स का तो सिक्सटी फोर बिट्स याद रखना उसके बाद नेक्स्ट है द कंप्यूटर दैट कैन इनपुट एनालॉग सिग्नल्स एंड रिटर्न रिजल्ट इन डिजिटल फॉर्म तो आप सभी देख रहे होंगे बड़े ध्यान से कि एनालॉग सिग्नल्स का भी काम हो रहा है जो कि पल्सेस के ऊपर काम करते हैं और डिजिटल का भी काम हो रहा है जीरो वन तो ओब्वियसली मैं बात कर रहा हूं यहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स की इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और ये तीनों क्लासिफिकेशंस हैं सिग्नल्स के हिसाब से तो ये भी देखना बाकी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं ये साइज के हिसाब से सबसे बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर से भी ऑफलाइन डिवाइसेस तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दो डिवाइसेस होती हैं रजत व्हाट्सएप कर लेना तो बेसिकली दोस्तों ऐसी डिवाइसेस जो कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ नहीं अटैच्ड होती हैं कनेक्टेड नहीं होती हैं उनको हम ऑफलाइन डिवाइसेस बोलते हैं तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा तो इसका ए ऑप्शन और जो कनेक्टेड होती हैं उनको ऑनलाइन डिवाइसेस बोला जाता है तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है अगर एग्जाम में ऑफलाइन पूछा गया है तो ऑब्वियसली ऑनलाइन भी, भी पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लेटेस्ट राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया राइट वंस मींस कि इसको प्रोग्रामेबल नहीं बनाया जा सकता दोबारा फिर से डिजिटल पेपर जो होते हैं ये प्रोग्रामेबल होते हैं मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क ये भी और बोम डिस्क नहीं होती बोर्म दोस्तों वायरस की तरह होता है यह खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है ट्रोजन होर्स नहीं कर सकते तो सीडी डी रोम डिस्क आपको याद रखना है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसको प्रोग्रामेबल नहीं बनाया जा सकता रीराइटेबल नहीं किया जा सकता सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है ये जी हाँ आपको पूरी फुल फॉर्म याद रखनी है बोर्म की राइट मंस रीड मैनी ठीक है और बाकी अगर सिंपल आपको स्मॉल लेटर्स में दे दिया जाए बोम तो आपको वायरस की तरह इसको देखना है पल्वी ठाकुर अगर सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस की बात करूं तो इसके जो बेसिक्स होते हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपको पूरा प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा कभी भी एग्जाम में कि इसकी आउटपुट क्या होगी एंड सोन कई बार सीधा स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर इसके जो सी लैंग्वेज की और सी प्लस प्लस के जो कुछ एक कंपोनेंट्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है रिजर्व वर्ड्स होते हैं इनके अपने तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं जाबा से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं जो बेसिक्स होते हैं ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड जनरेशन सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में तो आपको लो लेवल लैंग्वेजेस ही देखने को मिलती थी कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी अदर अगर हम बेसिकली असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं वो भी लो लेवल लैंग्वेज थी लेकिन वो भी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज थी तो आप सभी को पता है 1957 में हमें फोर्टन फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये लैंग्वेज देखने को मिली थी साइंटिफिक पर्पस तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा अच्छा लिस्प की फुल फॉर्म बताना जा रहा लिस्प इंपॉर्टेंट है ये भी काफी स्टूडेंट्स कमेंट्स नहीं करते हैं सिर्फ वीडियोस को देखते हैं दोस्तों आपको भूल जाएगा जो भी आप पढ़ते हैं जब तक यहाँ पे लिखोगे नहीं कमेंट बॉक्स में आपको प्रॉब्लम होगी होगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम आती है दोस्तों लिस्प और इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग जोन मका ने इसको इन्वेंट किया था लिस्ट प्रोसेसिंग उसके बाद नेक्स्ट है होता फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल कौन सा ऐसा टर्मिनल होता है जो यूजर प्रोग्रामेबल होता है खुद प्रोग्रामिंग कर सकता है ये मुनीषा ठाकुर तो बेसिकली दोस्तों इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है तो प्रोग्रामेबल यही होता है तो इसका डी ऑप्शन याद रखना और डम्ब टर्मिनल्स के एग्जांपल्स दो फटाफट फड़ कमेंट करके नितेश धनकर आप सभी का प्यार है जो मुझे डेली मेहनत करने पर मजबूर करता है पंकज शर्मा काफी सारे मैसेजेस हो चुके हैं व्हाट्सएप पर तो टाइम लगेगा और डंप टर्मिनल्स के एग्जाम्पल्स जब हम देखते हैं तो कीबोर्ड आ गया माउस आ गया तो ये चीजें आपको अच्छे से देखनी है एग्जामिनर आपको बड़े टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो सिर्फ आपको घुमाएगा जी हां आनंद शर्मा वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल उसके बाद नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क का डायमीटर अब फटाफट से कमेंट करके बता देना कि थ्री इंच की जो फ्लॉपी होती है उसकी कितनी मेमोरी स्टोरेज होती है फाइव पॉइंट टू फाइव इंच की जो होती है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है और एट इंच की कितनी होती है इसमें जितनी बड़ी फ्लॉपी डिस्क होगी उतनी ही कम इसकी कैपेसिटी होगी तो कमेंट करके बताना और ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इनमें से आपको बताना है कि टिपिकली जो फ्लोपी डिस्क होती है इसका डायमीटर होता है ठीक है तो काफी सारे आंसर आपके आ रहे हैं वेरी गुड एट इंच वाली बताना जरा इसका कितना साइज होता है कैपेसिटी कितनी होती है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी तीन और फाइव पॉइंट टू फाइव का तो सभी को पता है ठीक वन पॉइंट फोर फोर एम बी होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों थ्री इंच वाली यहां से क्वेश्चंस काफी बनते हैं तो सात सौ अड़सठ होती है एट इंच वाली ये भी इंपॉर्टेंट है और बाकी ये जो फाइव पॉइंट टू फाइव है वन पॉइंट टू एम के आसपास इसकी स्टोरेज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन करंट सिम्स है इधर कनेक्टर्स पहले तो कमेंट करके सिम की फुल फॉर्म बताइए क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने काफी बार एग्जाम्स में देखा है ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में चीजें यूज होती हैं सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल रैम के लिए यूज होता है वेरी गुड डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल भी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है तो एक होती है सिंगल और एक होती है डबल और बाकी रही बात कनेक्टर्स की या फिर पिंस की तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है अगर आपको नहीं भी आता है तो आपने डिमोरलाइज नहीं होना है ठीक है तो यहां पे थर्टी और सेवेंटी टू कनेक्टर्स होते हैं या फिर पिन होती हैं सिम में अब नेक्स्ट क्वेश्चन डोट मैट्रिक्स तो ये है क्या और बेसिकली इनकी जो क्वालिटी है ये डीपीआई में मेजर की जाती है डोट पर इंचस तो ये एक प्रिंटर है दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटर है फिजिकली टच करता है पेज को नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट कंसिस्टेड इन आ प्रोसेसर प्रोसेसर में हम कौन सी चीज को बाहर निकाल देंगे अगर इन चार ऑप्शंस को देखेंगे तो तो यहाँ पे मेमोरी का काम नहीं होता प्रोसेसर में कैलकुलेशंस के लिए ए का यूज़ होता है या फिर कंपैरिजन करना हो और सब कुछ कंट्रोल कंट्रोल यूनिट करती है और रजिस्टर्स जो हैं फास्टेस्ट मेमोरी हैं काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स प्रोग्राम काउंटर जनरल पर्पस भी होते हैं और स्पेशल पर्पस भी होते हैं तो किसी दिन एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स का उसके बाद दोस्तों आई बी चौदह सौ एक इसके बारे में तो इतने सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अब कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा फर्स्ट कंप्यूटर टू एंटर इन नेपाल बेसिकली जनगणना के लिए इस्तेमाल किया गया था तो किस जनरेशन से संबंधित है ये तो सेकंड जनरेशन जिन्होंने भी आंसर कर दिया है बिल्कुल सही है तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है इनको अच्छे से देख लेना इंपॉर्टेंट है सारे नेक्स्ट क्वेश्चन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स बाज मेड बेद फर्स्ट में हमने क्या यूज किया वैक्यूम ट्यूब्स का सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स का लेकिन तीसरी में हमने क्या यूज किया तो जिन्होंने भी आईसी चूज किया है सही है अब फटाफट से कमेंट करके बताओ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं, इनको किसने इन्वेंट किया था उनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वेरी गुड एक है किलबी और एक है नोइस काजल शर्मा वेरी गुड उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो कंपोनेंट्स होते हैं जो काफी इंपोर्टेंट होते हैं दोनों तो फटाफट आंसर किया करो 341 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आशा करता हूं सभी आंसर करेंगे इसका कंट्रोल यूनिट होती है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है तो इसका सी ऑप्शन रजिस्टर्स का यूज कौन करता है कंट्रोल यूनिट या फिर एलयू बताइए कमेंट करके बेसिकली दोस्तों एल यू यूज करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टर्स का कैलकुलेशंस में या फिर फास्ट प्रोसेसिंग में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली 1980 के बाद स्टार्टिंग हो चुकी थी इसकी फिफ्थ जनरेशन की तो इनको क्या बोला जाता है वेरी गुड ंजू वर्णा वर्मा व्हाट्सएप कर लेना फॉर मोर इंफॉर्मेशन तो बेसिकली दोस्तों ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं इनको नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी बोला जाता है और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इनमें होती है इनफैक्ट यू तक पहुंच चुका है काम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्योंकि स्टार्टिंग में थर्ड जनरेशन में एल का हम यूज करते थे अब हम यहां पे यूएलएसआई तक पहुंच चुके हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डिवेल्प ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट है ये भी तो बी ऑप्शन जिन्होंने भी, भी चूज किया है 1956 से लेकर के 1965 ये सेकेंड जनरेशन का टाइम रहा है तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का हम यूज किया था अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का भी बता दो कमेंट करके फटाफट इसको किसने इन्वेंट किया था क्योंकि इन चीजों को आप याद रखोगे तो हर एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा एग्जाम में ये टफ चीजें होती हैं दोस्तों किसी का नाम याद रखना ट्रांजिस्टर्स को किसने इन्वेंट किया था तीन व्यक्ति हैं शोकले विन ब्रेटिन तो काजल शर्मा ने यहां पे बता दिया है उसके बाद नेक्स्ट है वट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव्स पेपर प्रिंट आउट पेपर प्रिंट आउट कौन सा देता है यहां पे बड़ कमेंट करके बताइए तो बेसिकली हार्ड कॉपी टर्मिनल आपको याद रखना है यहां पे टर्मिनल पूछा गया था प्लोटर तब आना था जब आउटपुट डिवाइस पूछी होती उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ आ प्रायोरिटी नंबर इन आ प्रायोरिटी कहां पे देखी जाती है प्रोग्राम्स जो होते हैं एग्जीक्यूट किया जाते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से कहां फटाफट आंसर करिए प्रायोरिटी कहां पे देखी जाती है तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग में हमें देखने को मिलता है दोस्तों बैच प्रोसेसिंग हमें सेकेंड जनरेशन में देखने को मिली थी मल्टी प्रोग्रामिंग हमें फोर्थ जनरेशन में देखने को मिली थी तो यहां पे भी ऑप्शन आपको याद रखना है मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है ठीक है तो ये आपको कमेंट करके बताना है मल्टी प्रोग्रामिंग होती क्या है मल्टीटास्किंग मल्टीप्रोसेसिंग, मल्टीप्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है सभी के आंसर आने चाहिए मल्टी प्रोग्रामिंग होती क्या है ये दोस्तों बेसिकली पैरल प्रोसेसिंग होती है दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स पैरलली प्रोसेस हो जाएं तो इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग बोलेंगे ठीक है सिर्फ एक प्रोसेसर में ये चीजें होती हैं इसमें प्रोसेसर दो नहीं हो सकते तीन नहीं हो सकते ज़्यादा नहीं हो सकते अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोल दिया जाएगा तो यही डिफरेंस है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में और मल्टी टास्किंग क्या है मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो एट ए टाइम में किसी एक डिवाइस में तो ये सारी टर्म्स आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी बहनवाज एप्पल मैकिनटोश टू कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट मैकिटोश एप्पल का आप सभी को पता है और इन्होंने फर्स्ट वायरस अपनी निकाली थी एप्पल टू के नाम से तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए लेकिन यहाँ पे एप्पल मैं टू जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन टफ है तो ये इस तरह के क्वेश्चन टफ होते हैं इससे टफ क्वेश्चन कोई भी आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा तो काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पे तुक्का लगा रहे हैं तो ये दोस्तों उन्नीस में हमें देखने को मिला था इसका सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन वेर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय होम फर्स्ट लैपटॉप पूरी दुनिया में तो काफी बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं एडम ओसबोन फादर ऑफ लैपटॉप तो बेसिकली एप्सोन ने 1981 में पूरी दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था हालांकि आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आप देखोगे ये लैपटॉप जो है ये भी काफ़ी बड़ा था लेकिन उस टाइम में सबसे छोटा यही था पोर्टेबल था उसके बाद नेक्स्ट है टूडेज कंप्यूटर जॉइंट आईबीएम बिग ब्लू वॉज अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम विच वॉज चेंज इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर वट वॉज दैट नेम फर्स्ट नेम इसका क्या था क्योंकि 1924 में आई हमें देखने को मिला वेरी गुड सभी का सही आंसर आ रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो एग्जाम में भी ऐसा ही होगा जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो ऑलरेडी हम कर चुके होंगे इन सारे क्वेश्चंस को तो आंसर है कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन तो इसका ए ऑप्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है ये द पर्सनल हु द कंप्यूटर एंड इट्स मैनेजमेंट पुट टुगेदर आर कोल्ड फर्मवेयर क्या होते हैं ये दोस्तों रोम में स्टोर होते हैं हार्डवेयर क्या होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं जिन कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये इनटेंजिबल होते हैं इन्हें हम टच नहीं कर सकते सिर्फ देख सकते हैं और ये कलेक्शन होती है प्रोग्राम्स की आइकन्स की कमांड्स की और ह्यूमन बेयर कौन होता है जो काम करता है कंप्यूटर के ऊपर ठीक है पर्सनल होता है ये मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर की तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमन बेयर बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस इन चार ऑप्शंस को ध्यान से देखो फिर डिसाइड करो कि इनपुट डिवाइस कौन सी है माइक्रोफोन ये यह भी बताना यह कौन सी डिवाइस है यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्कैनर तो आपने चूज कर लिया है ये इनपुट डिवाइस है वेरी गुड और यहां पे ऑल इन वन भी पूछा जाता है आजकल ऑल इन वन जो है दोस्तों यह इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है क्योंकि प्रिंटिंग भी करती है ये डिवाइस और स्कैनिंग भी करती है माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है अगर हेडफोन पूछा जाएगा तो आप आउटपुट डिवाइस इसको चूज कर सकते हैं माइक्रोफोन कौन सा होता है अगर मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं तो उसको दोस्तों इनपुट के तौर पे आप सभी तक पहुंचा रहा है ये माइक्रोफोन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू तो इन तीन ऑप्शंस को ध्यान से देखो फिर फाइंड आउट करो इनमें से ट्रू कौन सा है आल नहीं होगा तो बी ऑप्शन जो भी चूज कर रहे हैं रिकॉर्ड्स ये कंपोज होता है फील्ड से यानी कि रोज जो होती है कॉलम से कंपोज होती है ठीक है आनंद शर्मा बिट आएगा बाइट आएगा कैरेक्टर आएगा फिर फील्ड आएगी फिर रिकॉर्ड आएगा फिर टेबल आएगा फिर फाइल आएगी फिर डाटाबेज आएगा आपने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ की है उसके बाद नेक्स्ट है हु बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन रिलेज लाइट वल्ब्स एंड बैटरीज तो वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो है ये किसने डिजाइन किया था फटाफट कमेंट करके बताओ तो डी ऑप्शन होवर्ड एकन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वेन बाइड नेटवर्क इज अ मोस्ट यूज एवरीवेशन इन नेटवर्किंग बट इज इट्स फुल फॉर्म तो बैन का एग्जाम्पल देना फटाफट कमेंट करके बैन का एग्जाम्पल एक होता है पैन एक होता है लैन एक होता है मैन और एक होता है बैन पर्सनल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क पैन एग्जाम्पल क्या है ब्लूटूथ कमेंट करके फटाफट बताओ ब्लूटूथ को किसने इन्वेंट किया था और लैन का तो आप सभी को पता ही है वाईफाई के तौर पे हम देखते हैं और मैन जो है जो केबल होता है आपके घरों में केबल वो मैन का एग्जांपल है और बैन क्या है इंटरनेट आज के टाइम में जो आप हार्टसन आपको याद रखना है ब्लूटूथ एरिक्सन कंपनी भी याद रख लेना इंपॉर्टेंट है ये भी इन विच लैंग्वेज इज सोर्स प्रोग्राम रिटर्न सोर्स प्रोग्राम कौन सा होता है जो एक प्रोग्रामर टाइप करता है तो ये किस लैंग्वेज में होता है वेरी गुड आप सभी का आंसर सही आ रहा है ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज सी ऑप्शन और कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्ट कोड जो है ये किस लैंग्वेज में होता है तो कंप्यूटर लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज ठीक है बाइनरी लैंग्वेज ये अच्छे से देख लेना उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज करेक्ट एक्रोनिम ऑफ बीजीए बीजीए के बारे में हमने कल भी देखा था क्वेश्चन आज भी देख रहे हैं वीडियोग्राफिक्स एरे ए ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का सॉन्ग बींग प्लेड ऑन कंप्यूटर स्पीकर इज तो एक कैसी आउटपुट होती है दोस्तों ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन मत समझना इसको होती तो आउटपुट ही है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा चाहे स्पीकर हो हेडफोन हो ईयरफोन क्या ना क्यों ना आ जाए तो भी आपको आउटपुट ही चूज करना है लेकिन ये सॉफ्ट आउटपुट होती है दोस्तों तो इसका ऑप्शन याद रखना पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप थोड़ा सा लेट रिप्लाई आए तो माफ करना काफी सारे मैसेजेस आते हैं दस बजे मिलते हैं जय हिंद जय हिमाचल